शादी की पहली रात में बीवी की एक चीज खोल दो, हमेशा फर्मा भरता रहेगी। हर दुआ उस वक्त तक कबूल होगी जब तुम इखलास अमल से काम लोगे। हर काम पर तवक्कुल करो, उस काम की तकमील ब्लॉक सी तकलीफ और परेशानी करवा देगा। जिसने नरम और खुश्क तारी को अपना वतीरा बनाया, उसने हर एक से सरख रू राहत पाया। अगर मुश्किलात पर काबू पाना चाहते हो तो साबर इलाही बन जाओ। मुश्किलात की जंजीर है, खुद ब खुद उठ जाएगी। जिसने अपने इखलास को सवारा, गोया उसने इलम अरफान सीखा और राहत और सुकून पाया। गुनाहों की दलदल से बचना चाहते हो तो राह मुस्तकीम इख्तियार करो। ईमान की सलामती चाहते हो तो सादगी को अपना शहार बना लो। दुनिया के अलावा लफ्ज़ किनारा कश हो जाओ। जो काम इखलास की नियत से ना किया जाए उसका अंजाम बुरा होता है। शादी की पहली रात में बीवी की एक चीज यानी उसका दिमाग खोल दो, उसे अपने होने का एहसास दिलाओ। बीवी हमेशा फरमाबरदार है। मोहब्बत एक ऐसा भी है जिसको मन की खेती में अगर रोया जाए तो वक्त के साथ साथ ये परवान चढ़कर दीदार इलाही तनावर दरख्त बन जाता है। और दायमी दोस्ती के ख्वाहां हो तो अपने बंदों को अल्लाह ताला से लगाओ ताकि कुर्ब इलाही के दायमी दोस्त बन जाओ। दूसरों के गैबों की तरफ निगाह मत करो बल्कि अपने गैबों पर निगाह रखो ताकि सही मानों में अल्लाह ताला के बंदे बन जाओ। मुसीबत परेशानी का मुकाबला सब्र और शुक्र से करो ताकि इनामात इलाही के हकदार बन जाओ। जिसने अल्लाह ताला के मुतालिक गलत कदम रखा वो खसारे में रहा।